सलीम ने मस्तान को मार डाला। मेरे लिए उसने दो लोगों के खून बहाए। सलीम से डरने के बजाय मैं उसके और करीब आ गई। आखिर ये सब उसने मुझे पाने के लिए ही तो किया है। मैंने सलीम को बहुत समझाया कि हम दोनों इस शहर से बहुत दूर जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे और जब तक जिएंगे एक दूसरे के लिए जिएंगे। कहां तो मैं अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजो रही थी कि अचानक नियति फिर मेरे साथ क्रूर खेल खेल गई और एक ही पल में मेरे सपने टूटकर बिखर गए। ये जो कुछ हुआ इसके पीछे का कारण जानना चाहोगी बेटी? जानकर क्या करूंगी, सलीम तो लौट कर नहीं आएगा मामा जी। इन सब के पीछे जो भी है उसे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ऊपर वाला माफ करे ना करे, लेकिन मेरा तो सब कुछ लूट गया। इन सब का कारण तुम्हारा पति है बेटा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मामा जी? मैंने सोचा था बेटा वो कभी दुख नहीं देगा तुम्हें, पर नर्क बना दी तुम्हारी जिंदगी इस शैतान ने। आखिर ऐसा क्या हुआ मामा जी? तुम्हारा पति श्रीधर और योगेश्वर राव मिले हुए हैं। दोनों की साजिश है ये। पैसे के बल पर उन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा। अच्छा, कुछ भी करो कुछ भी, पर उसे मेरे पास लेकर आओ, वरना उड़ा लूंगा खुद को। ए, मैं हूं ना यहाँ पर, बोल। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया। मामा जी, यहाँ किस लिए बुलाया आपको पता है? शादी कराया ये कह के कि बेचारी अनाथ है, खुश रहेगी दो वक्त की रोटी से। अब बोलिए, भाग गई लाश शरम छोड़ के दूसरे आदमी के साथ, यही संस्कार दिए हैं आपने? आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, बात सुनती है तो ठीक, अगर नहीं गर्दन पकड़कर मेरे पास लाइए, जाइए। उसके बाद ही मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आया था, और उसके बाद जब तुमने आने से मना कर दिया तो ये सब सुनकर श्रीधर पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। मुझे ये नरक दिखाने वाली औरत मेरी बीवी नहीं हो सकती, चाचा उसे जान से मरवा दो। गुस्सा मत कर, दिमाग से काम ले। तेरे मटन के दुकान को बंद करने के लिए बोला तो तूने जिलानी को मरवा दिया। केस को रीओपन करके इन्वेस्टिगेट करवा सकता हूँ, तुझे जेल भेज सकता हूँ। मैं क्या करूँ सर? ख्वाजा के वीकनेस को ढाल बनाकर उन लोगों ने उसको काबू में किया। अवसर देखकर ख्वाजा तुम्हारे घर आया और तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया। प्लान के मुताबिक ख्वाजा उनका पहला शिकार बना। समीर ने ख्वाजा को मार डाला, लेकिन इसी बीच सलीम वापस आ गया
और उनका खेल ही बिगड़ गया। मुझे ये सोच कर खिन आ रही है, उल्टा औरत। छी, छी, छी। श्रीधर, कूल कूल। तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं है। तुम्हारे ही हाथ में, तुम ही कर सकते हो। कैसे? मुमताज के मामा मस्तान का इस्तेमाल करो। मस्तान को दुबई भेजने का लालच देकर उसको काबू में किया। साहब, समीर को मोहरा बनाना है ना? समीर सलीम का दोस्त था, पर मस्तान ने दोस्ती में दरार डाल दी। उनके नफरत की साग में बेचारा समीर बलि चढ़ गया। सलीम उसके कत्ल के इल्जाम में जेल चला गया, पर उनका मकसद पूरा नहीं हुआ क्योंकि तुमने उसे जेल से छुड़ा लिया। तुम्हारा ये काम उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उसे मार दो चाचा। श्रीधर, मैं डिपार्टमेंट का आदमी हूं और इसीलिए मेरे हाथ में खुजली होती है। एक काम करते हैं, सलीम को ही मार देते हैं। थैंक्स चाचा, थैंक्स। और इस तरह एक के बाद एक ख्वाजा, समीर, मस्तान, सलीम सब उनके शिकार बने। मुझे वापस पाने के लिए कितनों को मरवा दिया उसने। घिन आती है मुझे कि उसने छुआ मुझे। वो इंसान नहीं है मामा जी, वो राक्षस है। मामा जी, प्रेम को मैंने पाने के लिए क्या कुछ नहीं खोया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, जीने की कोई इच्छा ही अब बाकी नहीं। प्यार में वासना के लिए कोई जगह नहीं, ये बात मैं किसी को समझा ही नहीं सकी। प्यार पाने की लालसा क्या सही नहीं? लेकिन इसके लिए किसी को दुखी नहीं देख सकती। समीर ने किसके लिए अपनी जान दी? सलीम ने किसके लिए अपनी जान दी? क्या इन सब के जिम्मेदार मैं नहीं?